हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फ्री ऑनलाइन स्टडी विद आरुषि में स्वागत है। और हम जो वीडियो लेके आए हैं वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इससे पहले कि कुछ वीडियो में ऑलरेडी हम इस तरीके के क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं, आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अकबरनामा बा आईने अकबरी की रचना किसने की थी। देखिए, हिस्ट्री से संबंधित भी पॉइंट्स है जो कि काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को लर्न रखिएगा कि इसकी जो रचना की गई थी वो अबुल फजल द्वारा की गई थी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है एंडालुसाइड का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो इसका जो उत्पादन जो होता है वो होता है मिर्ज़ापुर में। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य में देश की कुल कितने परसेंट कृषि योग्य भूमि है। यहाँ पर बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अकॉर्डिंग टू कंट्री देश के कुल कितने परसेंट जो भूमि है वो कृषि के योग्य है, तो वो भूमि है 15%। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले के कज़राइट क्षेत्र में निकलने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस में होता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो है बालू में मिश्रित सीमेंट बनाने में। देखिएगा, यहाँ पर बात की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िले के कज़राइट क्षेत्र से निकलने वाला कौन सा खनिज है डोलोमाइट। नाम याद रखिएगा, डोलोमाइट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो बालू में मिश्रित सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई थी। देखिए, जब भी हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान में खाली जीके ही नहीं आता है, बल्कि इसके संबंधित जो हिस्ट्री के पॉइंट्स है वो भी आपको लर्न करने होते हैं। तो यहाँ पर हम उन पॉइंट्सों को लेके आए हैं जो कि यूपी से संबंधित है। आप यूपी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर यूपी से संबंधित जो जीएस एंड जीके के पॉइंट है, यहाँ पर उन सभी पॉइंटों को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है पर उसे यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया हो। हम उन सभी पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे, चाहे वो पॉइंट हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, मगर उसका कनेक्शन किससे होगा, सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाम है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। जैसे कि 1857 का रिवोल्ट की बात की जाए जो कि जिसका स्टार्टिंग हुआ था वो मेरठ से हुआ था। देखिए, अब यूपी का आ गया यहाँ पर पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना से संबंधित ये जो स्थित है वो है पीपरी सोनभद्र में। पीपरी सोनभद्र में ये स्थित है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो भी आप ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ज्योग्राफी के जो पॉइंट्स हैं उनमें अगर उत्तर प्रदेश का कहीं पे भी जिक्र है तो उन पॉइंट्स को ज़रूर लर्न रखिएगा। यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है जड़ोद मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है क्षेत्रफल में वो है जड़ोद। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। यहाँ पे वृक्ष की बात की गई है तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देश का कुल जो खदान का कितना परसेंट उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो है 18.6%। इसके बाद नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर जनसंख्या की बात की गई है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको पूरा जनसंख्या मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश का कितना है। 1995 81 477, ये नंबर लर्न कर लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। महान सूफी संत निज़ामुद्दीन ओलिया का जन्म 1236 में कहाँ हुआ था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है मगर
उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका जन्म हुआ था बदायूं में। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बेहर किन जिलों में है? तो ये आगरा व इटावा में है। कौन सा बेहर है? राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। आते हैं नेक्स्ट, राज्य के किस शहर में चकेरी हवाई अड्डा स्थित है? तो ये चकेरी हवाई अड्डा जो स्थित है वो है कानपुर में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, उत्तर प्रदेश राज्य में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई? देखिए ताप विद्युत परियोजना, मगर इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रोजा ताप विद्युत परियोजना, जो कि स्टार्ट की गई है आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा। इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो फसल है वो कौन सी है? वो गेहूं है, हम सभी को मालूम है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? जब आप 1857 रिवॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, इसके बाद ये धीरे 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 आगे जब बढ़ा तो ये दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में, हर जगह क्या होने लगा, ये फैलने लगा, बढ़ता गया, और हर जगह यहाँ पर नेतृत्व किसी ना किसी के द्वारा किया गया। जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था, और बहादुर शाह सफर सेकंड द्वारा इसके दिल्ली में, इसमें यहाँ पर इनको सपोर्ट दिया गया था 1857 रिपोर्ट में। बरेली में किसने किया था? तो बरेली में जो नाम आता है वो है खान बहादुर खान जी का। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, वर्लिन ओलंपिक 1936 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, उनका नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद। इनके नाम पे ही हॉकी की जो ट्रॉफी है वो दी जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप गेम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इनका नाम आता ही है। तो आई होप जो आज हम डिस्कशन किया आप सभी को क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से, कहाँ कहाँ से, किस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का पार्ट्स हो, चाहे वो हिस्ट्री का पार्ट्स हो, मगर उसमें अगर यूपी का संबंध है, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई पॉइंट्स आए हैं, तो वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई पॉइंट्स आप पूछना चाहते हैं, या अदर्स कोई आप वीडियो चाहते हैं जो अदर टॉपिक्स पे है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।